हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर जगह नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र आप खबरों में पा रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया, कैसे ये इतना बड़ा इतिहास का एक फेज रहा और फिर ये खत्म हो गया। अगेन अब मोदी सरकार के अंदर आपने देखा होगा, कल से न्यूज़ के अंदर बहुत फैला हुआ है। हो सकता है हमारे एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए, या हमें पता तो होना चाहिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, वन ऑफ द एंशियंट मोस्ट है। जिन कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड की हम बात करते हैं, उनसे लगभग 500 साल पुराना विश्व विद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि इंडिया के लिए बहुत गौरवशाली पल था। हमारे पीछे है कि लगभग 815 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वापस एग्जिस्टेंस के अंदर आई है, जिसके जो रूंड हैं वो कर दिए गए थे। ठीक है, इसके बारे में हम करने का काम करते हैं। देखिए किस प्रकार से है, क्या लिख रहा है इसके अंदर कि नालंदा इज कंसिडर्ड टू बी द अमंग द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो सबसे पुराना स्टेट सेंटर है लर्निंग के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बनाया गया था किसी पर्पज के लिए कि सभी के सभी लोग यहाँ पे आके सभी फील्ड में, बहुत सारे फील्ड के अंदर, जैसे कि भाई अपना मेडिसिन फील्ड हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इन सारे फील्ड के लोग आके यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कर पाए। आपके सामने रूम्स की फोटो भी साथ साथ हैं। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, हॉस्टल था, यानी कि सारा का सारा रेजिडेंशियल यहाँ पे था, रहने खाने की सुविधा थी। बहुत देशों से, तिब्बत से, चाइना से लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आए थे, वो आगे हम सारी बात करेंगे। और क्या कहा गया कि इट वॉज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ राजगृह। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, राजगृह, जिसको आज राजगृह के नाम से जाना जाता है, पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये स्थित है। लिखा भी हुआ कि लगभग 90 किलोमीटर दूर है। नालंदा प्ले वाइटल रोल द प्रमोटिंग द पेट्रोनेज आर्ट्स एंड एकेडमिक्स डूरिंग। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यभट्टा भी यहीं थे, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर यहीं उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया। बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे मेडिसिन हैं, हेल्थ जो में फील्ड में जिन्होंने काम किया है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट थे या यहाँ के टीचर्स थे। तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी को बनाया गया इंडिया के अंदर उस सोच के दौरान, जिस सोच के दौरान लोगों को एजुकेशन के मायनों का नहीं पता था। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हुआ। कैसे ये यूनिवर्सिटी खत्म हुई, कैसे दोबारा इसका एग्जिस्टेंस आएगा, क्या इंडिया के लिए अच्छा है, सारा इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, इसके बाद क्या बता रहा है इसके अंदर कि ये किंग कुमार गुप्ता के द्वारा बनाई गई थी। एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर ने पूछा है, किंग कुमार गुप्ता ने इसको बनाया था और गुप्त डायनेस्टी के अंदर बनाया था, पांचवी जो अपनी शताब्दी थी, फिफ्थ सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया था। लगभग 1400 AD के अंदर इसका निर्माण किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। और रेनसेक्ट का मतलब होता है खत्म कर देना। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मैं पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों खिलजी ने इसको तोड़ा था, क्या कारण रहे थे मोहम्मद बख्तियार खिलजी के इसको तोड़ने के लिए। बहुत सारे इतिहासकार बहुत बहुत सारे रीजन बताते हैं कि इसको जो तोड़ा गया था, मैं आपको स्टोरी आज इसके लिए बताने जाऊंगा इसके लिए। और क्या कहा गया है, ये हमारे लिए बहुत एक मेन पॉइंट है जो कि शायद पेपर में पूछ ले। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया था 2010 में। मैं क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा, यूनेस्को का वर्ल्ड हेडक्वार्टर कहाँ पे जो है ना लोकेटेड है, वो आप लोग मेरे को बताएं कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा, कुमार गुप्ता ने इसको बनाया, पांचवीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया, 1193 AD के अंदर, 1193 AD के अंदर कुमार गुप्ता ने इसको रेनसेक्ट किया, यानी कि खत्म करने का काम इसके द्वारा किया गया। ठीक है, आगे हमारे पास ये है नालंदा महावीर, फिफ्थ सेंचुरी के अंदर बनाया गया। ये उस रूंड का, उस नालंदा द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी का एक पिक्चर आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक उस नालंदा यूनिवर्सिटी का पिक्चर है जो कि आज आप किस पीछे है। ठीक है, इसके बाद 500 मर्चेंट्स के लिए एक स्टोरी मानी जाती है कि गौतम बुद्ध को 500 व्यापारियों ने एक आम के बगीचे को दान में दिया गया था। 500 व्यापारियों ने इस लैंड को, जो कि आम का बगीचा हुआ करता था, इसको दान में देने का काम किया था, जहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी मेनली बौद्ध धर्म के जो शिक्षक बनाने के लिए, बौद्ध धर्म के लिटरेचर्स को सेपरेट करने के लिए, बौद्ध धर्म के अंदर जो पढ़ाई थी उसको देने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें की गई, और धीरे धीरे करके नालंदा का डेवलपमेंट हुआ। जो आप मेरे पीछे पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि नालंदा धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनने की तरफ अग्रसर होने लगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगे और नालंदा का धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अपना ग्राफ बन के चला। ये नालंदा के रूंड्स हैं जो कि बख्तियार खिलजी के खत्म करने के बाद, तोड़ने के बाद, आग वगैरह लगाने के बाद, ऐसी कुछ पिक्चर नालंदा यूनिवर्सिटी की दिखती थी, जो कि एक भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास था। स्टार्ट करते हैं, हमारे पीछे एक फोटो आ रखी है बख्तियार खिलजी, जो कि बड़े एक हमारे लिए तो बहुत एक मैं कहूंगा कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए था, क्योंकि जो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, लगभग 90 लाख किताबें यहाँ पे थी, प्लस में 1600 शिक्षक यहाँ पे शिक्षा दिया करते थे एट दैट टाइम, तो वो भी एक हमारे लिए था। बख्तियार खिलजी ने 193 यानी कि 1193 AD के अंदर अटैक किया था। कहाँ पे अटैक किया था, अपने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, और इसको तोड़ने का काम किया था।
इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले इसकी लोकेशन बता देते हैं। बिहार है, बिहार के बिल्कुल यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी आती है, पटना के 90 किलोमीटर दूर नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी को बीमारी हुई थी, कोई डिजीज़ हुई थी बख्तियार खिलजी को, कोई ना कोई बीमारी हुई थी, कोई डिजीज़ हुई थी, जिसके चलते बख्तियार खिलजी का इलाज नहीं हो पा रहा था। बहुत भयंकर बीमारी थी, किसी से भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि बिहार के अंदर एक यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर या टीचर्स कुछ भी मान लीजिए, वो मिल जाएंगे, आपका इलाज कर देंगे। बख्तियार खिलजी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग, मैं वो नाम तो आपके सामने कटाक्ष नहीं करूंगा, अपने लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मजहब और धर्म राजनेताओं के लिए छोड़ देना चाहिए। तो अपने लिए बख्तियार खिलजी ने इलाज करवाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप एक बार ट्राई तो कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। तो एक आचार्य थे, जिस आचार्य ने इनका इलाज करने के लिए इलाज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन चाइनीज़ यात्रियों का नाम आपने जरूर सुना होगा, ह्वेन स्वांग का नाम आपके द्वारा सुना गया होगा। ह्वेन स्वांग बहुत एक बड़े फेमस चाइनीज़ पिलग्रीम है, जिनका नाम आपके लिए आया है। 7th सेंचुरी के अंदर इन्होंने विजिट किया, मेंशन किया है बहुत सारी किताबों में, नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र है। बहुत सारी चाइनीज़ बुक्स हो गई या फारसी बुक्स हो गई, उनके अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र ये था। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र को खत्म करने का नाम बख्तियार खिलजी के नाम गया था, सबसे बड़े एजुकेशन केंद्र को खत्म किया गया था। ये एक भारतीय इतिहास के ऊपर सबसे बड़ा हथौड़ा मारा गया था। हमारी सारी की सारी साइंटिफिक रिसर्च, मंडल्स, उपमंडल्स, सूत्र, जितने भी हमारे थे, उन सबको बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी गई थी। और जबकि बख्तियार खिलजी का इलाज भी नालंदा यूनिवर्सिटी के ही एक शिक्षक ने किया था, इनको ठीक भी एक उन्हीं शिक्षक ने किया था, और बदले में रिजल्ट देख लो बख्तियार खिलजी ने क्या दिया हमारे लिए। तो ये यहाँ पे आए थे, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, राहुल श्री भद्रा इनका नाम था, राहुल श्री भद्रा, ये पेपर में हो सकता है कि पूछ पूछ ले आपसे, भद्रा, राहुल श्री भद्रा। खिलजी वाज सजेस्टेड गेट द ट्रीटमेंट फॉर द राहुल श्री भद्रा, इनका नाम लिया गया, और खिलजी ने मना कर दिया था कि मैं किसी दूसरे धर्म के लोग से अपना इलाज नहीं कराऊंगा, लेकिन बीमारी इतनी बढ़ गई कि मजबूरन इनको इलाज करवाना पड़ा, और राहुल श्री भद्रा जी ने इनको ठीक करने का काम किया, इनको ठीक किया, इनका इलाज किया, इनका ट्रीटमेंट किया, और नालंदा के लिए इनको बिल्कुल सुरक्षित करके भेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं खिलजी को लग रहा था कि मेरे को ना गुस्सा निकालना है अपना, और ये गुस्सा मेरे पीछे जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, आपको बड़ा लगा होगा, नालंदा के अंदर लगभग 9 मिलियन 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स थी यहाँ पे एट दैट टाइम। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र इसको बोला गया है। क्या सोच रही होगी उस टाइम के लोगों की, क्या मानसिकता रही होगी, कितना बढ़िया शिक्षा केंद्र रहा होगा। और बख्तियार खिलजी ने इस 90 के 90 लाख किताबों को आग लगा दी गई, आग लगाने का काम यहाँ पे किया, 90 लाख बुक्स को जला दिया गया। ये कहानी थी 1193 एडी तक की। अब नालंदा विश्वविद्यालय बंद हो गया, आग लग गई, रूंस आ गए इतिहास को। कई कई इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास को पलटने के लिए ये सब किया गया, इतिहास को बदलने के लिए किया गया, या मुगल डायनेस्टी का इतिहास के लिए बहुत सारे रीजन हुए हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन था कि बख्तियार खिलजी वाज नॉट हैप्पी अबाउट दिस ऑल। बख्तियार खिलजी खुश नहीं था, 90 लाख ग्रंथों को आग लगा दी गई। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जितने बौद्ध भिक्षुक शिक्षा लेने लग रहे थे उनको भी जला दिया गया, जितने बौद्ध भिक्षुक अपने शिक्षा लेने लग रहे थे उनको भी जला दिया गया, उनको इसी आग के अंदर झोंक दिया गया। कितना गलत किया होगा, कितना इतिहास हमारा खत्म हो गया होगा। रूंस बने 1200 से लेके बाद में इतिहास में बहुत बार बात उठी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा जीवित किया जाए। एक ग्रेट आदमी जिनका नाम अभी आपके पीछे नाम सामने आएगा, उन्होंने पहली बार 2002 के अंदर इस बात को सोचा कि इनका प्रोजेक्ट था। देखो कहीं पे भी आज आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम देखने को नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सर्च कीजिए। हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति जी ने इस चीज़ को देखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा रिजनरेट करने की ज़रूरत है। नालंदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, हमारे लिए एक इमोशन भी है, कल्चरल भी, आर्ट भी, एक डिवोशन भी है, और बिहार की धरती भी है। जब जब हिंदुस्तान के अंदर बड़े बदलाव हुए हैं तो धरती बिहार की रही, याद रखिए, चाहे वो विक्रमादित्य से रही हो, चाहे मगध से रही हो, चाहे कलिंग से रही हो, चाहे अब ये हमारे लिए अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर रही हो, बहुत गौरवशाली धरती है। तो सल्यूट है इनको हमारे लिए, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने एक प्रोजेक्ट सोचा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा जनरेट किया जाए। एक्ट पास किया गया 2008 के अंदर, 2010 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी को, उसको याद रखना, 2010 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया, और ये एक एक विरासत स्थल के रूप में डेवलप किया गया। इनका प्रोजेक्ट था, 2010 में इस प्रोजेक्ट को फ्लैग मिला, लेकिन किसी पर्पज से काम स्टार्ट नहीं हुआ। 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि शानदार कैंपस होगा, वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा कैंपस होगा, लगभग 1750 करोड़, 1750 करोड़, इतनी अमाउंट से अभी नालंदा को रीयूनिट किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा।
इस चीज़ के लिए बहुत एक अच्छा है। मेरे लिए तो ये एक प्राउड मोमेंट है, आपके लिए है या नहीं है आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ऐसा कुछ हमारा नालंदा विश्वविद्यालय लगेगा, लिखा भी हुआ है, बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1749 करोड़, पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स अ न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। दोबारा बनाया गया है, हमारा नेशनल फ्लैग है और जिस नालंदा को रुइन किया गया था वो नालंदा फिर से लगभग 815 साल बाद हमारे बीच में फिर से होगा, वहाँ लोग फिर से एजुकेशन को ले पाएंगे। लेकिन दिक्कत है तो सिर्फ एक बात की है कि वो 90 लाख किताबों का ज्ञान हम लोग नहीं ले पाएंगे, वो शानदार। और मानना ये है कि अगर वो 90 लाख किताबें वहाँ होती तो सोच के देखो कितनी गुना और हो चुकी होती, कितना ज्ञान और लिख चुका होता, कितनी सारी चीज़ें हमें और पता हो जाती, तो ये चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया है, आप सबके लिए सोशल मीडिया पे पिक्चर घूम रही है, बिहार के मुख्यमंत्री साहब भी नीतीश कुमार जी काफ़ी चर्चा में जो थे वो भी साथ में हैं। बहुत बढ़िया प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और इसका इनोग्रेशन किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। ये इनोग्रेशन करते हुए कि उनकी फोटो है, नीचे लिखा गया है आ नो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्व तो लेट नोबल थॉट्स कम टू बी फ्रॉम माई ओल्ड डायरेक्शन, यानी कि नॉलेज कहाँ है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, नालंदा एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी कि सिर्फ ज्ञान का फ्लो ऑफ नॉलेज, नालन एदमदा, ठीक है, ये एक संस्कृत का वर्ड है, फ्लो ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का एक बहाव उस हिसाब से लिया गया है। और जीरो ग्रीन कैंपस होगा, ओवर द व्यू सोलर लाइट से चलेगा, 1750 करोड़, एक अच्छी अमाउंट होती है, बहुत बढ़िया एक इनके द्वारा इनोवेटिव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका इनोग्रेशन करने लग रहे हैं और अब नालंदा इसके लिए होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालें। मेरे लिए बहुत ग्राउड मोमेंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि नालंदा जो हमारी एक धरोहर थी, जो कितनी पुरानी धरोहर थी जिसको कुमार गुप्ता ने बनाया, वो आज फिर से इंडिया के लिए स्टूडेंट्स के लिए दोबारा दरवाजे खुलेंगे, अगेन वहां पे एजुकेशन मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।